थोड़ा सा पहले मैं इंटरफेस बताऊंगा उर्दू और फोटोशॉप का आपस में, कि हमने जब कुछ टाइप करना है उर्दू में तो उसे हमने फोटोशॉप में कैसे देखा। फोटोशॉप जो है ना वो पिक्सल्स का प्रोग्राम है, तो वो टाइपिंग का तो उर्दू का तो है ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम उर्दू लिख लेते हैं तो उस पर उर्दू लिख लें तो नहीं लिखी जाएगी आपसे, तो हमें स्विच करना है उर्दू लिखना। तो अभी मैं आपको तरीका बताने लगूँ कैसे करना है हमने। सबसे पहले मैं यूँ करता हूँ, फोटोशॉप खोलता हूँ, इन पेज खोलता हूँ। ये देखिए इन पेज का सॉफ्टवेयर है, कोई सा भी इन पेज का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, हाँ किसी के पास कोई सा भी हो यूज़ कर लो, कोई वर्जन की बात नहीं है। और इसके अंदर हमने सिर्फ सीखना क्या है, टाइपिंग करना सीखना है और उसको फोटोशॉप में लेके जाना सीखना, ताकि जब हम थंबनेल बना रहे हों तो हमें पता हो कि इन पेज में कैसे उस जगह पर जाना। देखें ना, जब हम बात करते हैं ना YouTube की ऑप्टिमाइजेशन की, तो उसका एक फैक्टर जो होता है वो थंबनेल होता है। आपकी वीडियोस को ग्रो करने में, आपकी वीडियोस को वायरल करने में आपके थंबनेल का बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। ये भी इन पेज खुल रहा है, अच्छा अब आप देखें करना क्या हम लोगों ने, पहले समझ लें बात। इन पेज से डायरेक्ट टेक्स्ट फोटोशॉप में नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब ये बात आपने समझ ली कि इन पेज से सीधा सीधा हम लिख कर फोटोशॉप में नहीं लेकर जा सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि इन पेज जो है वो वेक्टर ड्राइंग है, लाइन बेस्ड टेक्स्ट करता है, ड्राइंग तो नहीं है, लाइन बेस्ड टेक्स्ट है उसका। और फोटोशॉप जो है वो पिक्सल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन पेज को अगर मैं उधर लेकर जाऊँ तो मुझे पिक्सल बनाकर लेकर जाऊँ, जब तक मैं उसे पिक्सल या पिक्चर में कन्वर्ट नहीं करूँगा उस वक्त तक वो फोटोशॉप में नहीं जा सकता। अब इसके लिए मैं चाहूँ तो इजी इंटरफेस इस्तेमाल करना चाहूँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर लेते हैं, और अगर हम एक्सपर्ट हों और हमारे दूसरे टूल भी अच्छे आते हों जैसे कोडल ड्राइव तो हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम कहेंगे कि भाई हम इन पेज में लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेकर जाएंगे, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑलमोस्ट सबको यूज़ करना और फिर वर्ड से हम फोटोशॉप में लिखें। बात समझ में आ गई? जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं खुद थंबनेल्स बनाता हूँ जिन लोगों का मैं काम कर रहा हूँ, सो इसका मतलब क्या हुआ कि इन पेज होना चाहिए खुला हुआ, है ना, वर्ड और फोटोशॉप। अच्छा अब सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले आपने खोलना है इन पेज, फिर आपने खोलना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और फिर आपने खोलना है फोटोशॉप। अब ये सीक्वेंस की वजह क्या है, मतलब ये क्यों कह रहा हूँ इसे ऐसे क्यों करना चाहिए हमें, इसकी वजह ये है कि जब हम अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं तो विंडो चलती है और विंडोज़ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लोड हो रही होती हैं, तो उसके साथ फोन्स भी लोड होते हैं, ऐसे ही है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जब हमने वर्ड खोल लिया, फोटोशॉप भी खोल लिया, तो क्या हुआ, वर्ड खोलते हुए लगा फोन्स लोड हो रहे हैं, फोटोशॉप के याद रखिए अलग फोन्स हैं, ठीक है ना, फोटोशॉप के बिल्कुल अलग फोन्स हैं, उसके भी अलग फोन्स लोड हो गए। तो हुआ क्या, मे बी इस तरह हुआ कि इतने फोन्स लोड हो गए कि विंडोज़ ने जितनी प्रीवियन रखी हुई थी ना कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने फोन्स लोड कर सकते हो, वो दोनों ने ले लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे तो फोन्स का इशू आ जाएगा, उसके फोन्स लोड नहीं होंगे। और उर्दू के फोन्स कौन से हैं, उर्दू वाले, यानी उर्दू की टाइपिंग है ना। अगर अंग्रेज़ी के फोन्स में बात करूँ तो वो कौन से, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, या इंग्लिश के फोन्स हैं, फोन्स क्या होते हैं, राइटिंग स्टाइल, ठीक है। तो इसी तरह उर्दू के जो राइटिंग स्टाइल्स हैं वो अलग हैं। सो हम इन पेज पहले इसलिए खोल रहे हैं कि भाई क्या हो कि पहले उर्दू के फॉन्ट्स मेमोरी में आ जाए, ताकि ये ना हो कि भाई अंग्रेजी के फॉन्ट्स तो पहले भी लोड हो चुके हुए हैं, विंडोज़ के साथ हुए हैं ना लोड, विंडोज चली इंग्लिश के फॉन्ट्स लोड हो गए, तो आप उर्दू इसलिए पहले खोल रहे हो कि उर्दू के फॉन्ट्स मेमोरी में लोड हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? सो इसका मतलब ये होगा आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है और ये काम करना है कि फोटोशॉप में उर्दू लिख के लेकर जानी है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले सबसे इन पेज देखे थे आपने, आपके सामने मैंने पहले इन पेज खोला, ठीक है। लीजिए एक एरर सा आएगा, कोई बात नहीं है, ओके कर दें इसको, एक न्यू पेज ले लें, कैसे ले रहा हूँ, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, न्यू, ओके, अच्छा इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। और फिर मैंने क्या कहा, दूसरे नंबर पर क्या खोल लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लें, और जिसे भी खोल दिया मैंने, और तीसरे नंबर पर फोटोशॉप।
दिए, फोटोशॉप भी खोल दिया, ये मैंने पिन किया हुआ है ठीक है ना इस प्रोग्राम्स को, ताकि मुझे ढूंढने ना पड़े बार बार, टाइम वेस्ट ना हो मेरा। लो जी खुल गया। मैं काम करता हूँ यहाँ से, कोई फाइल लोड कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ जिन फाइलों में मैं अक्सर काम कर रहा हूँ क्लाइंट्स की ना, उनमें से किसी की एक की फाइल खोल लेता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है DHA बावलपुर, कुछ और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, खुल गई। अब देखिए इसमें उर्दू लिखी हुई है ना, अब मिसाल के तौर पर ऊपर लिखा हुआ है DHA लाहौर ब्लॉक वाइज रेट्स। मैं कहता हूँ ये 5 मरला प्लॉट्स हैं, इसको मैंने 10 मरला प्लॉट्स करने, क्या करूँ? पहले वाले टूल पे आऊँ, ये आपको बताया मैंने, मैंने जरा मुझे बताएं ना, आप लोग खुद बताएं, पहले वाले टूल पे आऊँ, फिर इस पर क्लिक करूँ और उसके बाद टाइप टूल में जाऊँ और इस 5 को कर लूँ सपोज 10, स्पेस दे देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, फिर मूव टूल में आऊँ और मैं कहता हूँ जो लिखा ना रेट्स में कमी का रुझान इन्वेस्टर्स के लिए शानदार मौका, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया। अब मैं कोई नई ऑफर लेकर आने लगा सर आपको समझाने के लिए कि उधर से लिख कर लाते हैं, कहाँ से? इनपेज से। अब कैसे लाना है मैंने, अब आपको सीधा मैं बता रहा हूँ, मुझे जैसे मुझे उधर लिखनी थी उर्दू तो मैं इधर आ गया, मैंने इनपेज नहीं सीखना सारा, मैंने ये देखना है कि इधर से मैं टेक्स्ट लेके कैसे जाता हूँ, ठीक है सिर्फ वो बताऊँगा आपको। तो उसके लिए जितना इनपेज सीखना है वो सारा सीख लेंगे हम। हाँ, सबसे पहले हमने करना क्या है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सातवें नंबर पर आपको टूल नज़र आ रहा है, एन बनी हुई है ना, दो टूल्स बने हुए हैं, एक ये वाली एन है और एक ये वाली एन है, ठीक है। जो नीचे वाली एन है ना इसको हमने सेलेक्ट करना है, मैंने आपको इसका नंबर भी बता दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, सेवन्थ नंबर पर टूल आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस एन को ड्रॉ कर लेना, इस पर आते हैं, कर लिया मैंने ड्रॉ, यहां मैं लिख रहा हूं एक ऑफर रेट्स और टैक्सेस में हैरत अंगेज कमी। लो जी मैंने खुद से ऑफर बना दिया, कोई भी रेट्स कम नहीं हुए जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, हैरत अंगेज कमी लिख दिया मैंने। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि ये कैप्शन लेकर जानी है मैंने अपनी वीडियो के, जो वीडियो मैंने अपलोड करनी है यूट्यूब पर, ठीक है। अच्छा, अभी टेक्स्ट लिख दिया मैंने, अब ये टेक्स्ट लिखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। अब ये टेक्स्ट कैसे लिखना है देखिएगा ज़रा ऊपर, ये एडिट में आ रहा हूँ मैं, आपने जब अपना इन पेज इंस्टॉल करना है घर में, एडिट पे आना है, फिर कहाँ आना है, एडिट पे आना है, फिर प्रेफरेंसेस पे आना है, फिर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोनेटिक, इस पर क्लिक करें जरा, और भी बहुत सारे आ रहे हैं कीबोर्ड्स, सबसे आसान कीबोर्ड कीबोर्ड जो है ना मेरे और आपके लिए वो फोनेटिक आसान कैसे है, वो फोनेटिक का मतलब ये कि साउंड के साथ चलता है, ठीक है, मतलब आप समझ लो कि 80% साउंड के साथ चलेगा। अगर मैंने अलिफ लिखना है तो ए, बे लिखना है तो बी, मेरी बात समझ में आ गई, 80% चलता है। 80% का मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो साउंड के साथ नहीं चल रहे होंगे, ज़्यादातर यही चल रहे होंगे अभी। तो आपने करना क्या है, जब आपने इन पेज इंस्टॉल करना है पहली दफ़ा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ऑप्शन में आना है और यहाँ अगर ये फोनेटिक नहीं होगा आपको फोनेटिक कर लें, जब आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करोगे ये फोनेटिक नहीं होगा आपने इसे फोनेटिक कर लेना, ठीक है। एडिट प्रेफरेंसेस, ये देखिए मैंने, और ये मैंने रिकॉर्डिंग में आ गया है ना, आप रिकॉर्डिंग में चेक भी कर सकते हैं बार बार, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस और फोनेटिक, ओके। और अगर आपने कीबोर्ड देखना हो कैसा है तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ जी, फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, हाँ जी फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, यानी कि कीबोर्ड कैसा है दिखाई दे मुझे, कि मतलब कौन कौन सा करेक्टर किस लिए है, आ गया सारा, देखिए आ रहा है ना, वो देखें क्या कह रहा है, एक क्यू के साथ क्या आएगा, ए के साथ क्या आएगा, बड़े ए के साथ क्या आएगा,
एस के साथ क्या आएगा, स्मॉल एस के साथ क्या आएगा, आ रहा है ना सारा कीवर्ड बना हुआ आ रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिंट का बटन भी बना हुआ है, प्रिंट करनी हो स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल पे रख लें, हाथ में एक अखबार या उर्दू की किताब रखें, इसको देख देख के काम टाइपिंग करें, खुद ही आ जाएगी। दो तीन घंटे टाइपिंग करोगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहीं से देखना चाहें कि भाई कौन से करेक्टर, जैसे जी है तो गाफ है ना, स्मॉल जी के साथ गाफ आ रहा है, कैपिटल जी के साथ गैन आ रहा है, डी के साथ दाल आ रहा है और कैपिटल के साथ दाल आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर देखो एक्स के साथ क्या आ रहा है, शीन आ रहा है। अब ये इधर डिफरेंट हो गया ना। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जो आपको ना समझ में आए इस कीबोर्ड से देख लो, ठीक है। और अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो प्रिंट निकाल लो इधर से, या किसी और से प्रिंट निकलवा लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, व्हाट्सएप करो, किसी भी प्रिंट की शॉप पर जाओ, उसे कोई आइए प्रिंट निकाल कर दे दो, ठीक है। टाइपिंग करते हुए अपने सामने रखो और देख देख के टाइप करो, सिंपल। चलो जी, हम क्लोज कर दो। ये लिखा हुआ है ना, एक स्मॉल है और एक कैपिटल है, जो कैपिटल हो गया वैसे, जैसे जैसे इंग्लिश और उर्दू यही सी चलती है, 100% वैसे ही चलेगा। तो जी इधर आ जाए, ये हो गया। अब हम चाह रहे हैं जरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, या बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह का मैंने इस पर काम करना थोड़ा सा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। ये मैंने लिखा है, इसको सेलेक्ट किया, ये देखें कैसे किया, डबल क्लिक करके हाईलाइट कर लिया पहले, हाईलाइट करने के बाद ये ऊपर आया, क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज, राइटिंग साइज है ना ये इसका, इस पर क्लिक करो, लो जी बड़ा हो गया। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है एरियल, इस पर हाँ, ये अभी जो बड़ा किया मैंने कहाँ पे किया, जहां नंबर लिखा हुआ आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऊपर लिखा हुआ एरियल और नीचे लिखा हुआ आ रहा है नूरी नस्तालीक, ठीक है। नस्तालीक नामों से पता लग गया आपको कि एक इंग्लिश फॉन्ट है और एक उर्दू फॉन्ट है। तो इंग्लिश फॉन्ट उन्होंने क्यों दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई आप इन पेज में चाहें तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे लिखती हैं, अभी वो हमारा काम नहीं है। इस पर आए, ये सारे उर्दू के फॉन्ट हैं, क्लिक करें तो देखते हैं चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो गया ना राइटिंग का। और देखते हैं, सही है, तो यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। अब मैंने क्या करना है, बस ये एक्सपोज करते हैं, इतना ही काम करना है इन पेज में, बस इन पेज में कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी है आप, ठीक है। इन पेज में टाइप कर दें, फोटोशॉप में जाकर डिजाइन। अब मैंने लिख लिया, अब मेरा दो लाइनों में लिखा हुआ आ रहा है, मैं चाहता हूँ एक लाइन में, तो लाजमी बात छोटा कर लूँगा, ऐसे ही है ना। चलो ये फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लेके जाना चाहता हूँ। अब एक चीज़ याद रखें, वैसे नॉर्मल क्या होता है, हाईलाइट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, यही तरीका होता है ना कॉपी पेस्ट का, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यही तरीका होता है। यहाँ पर ऐसे नहीं करना, अगर तो आपने इन पेज टू इन पेज कॉपी पेस्ट करना है फिर तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब आप इन पेज से फोटोशॉप के लिए कर रहे हैं तो आपने ऐसे कॉपी नहीं करना। कैसे कॉपी करना है फिर, आपने आ जाना है पहले टूल पर, जैसे फोटोशॉप में था ना पहला टूल मूव टूल, इसमें जो पहला टूल है वो सिलेक्ट टूल है, इस पर क्लिक किया मैंने और फिर इस पर क्लिक किया, जरा कुछ चेंज नज़र आया आपको, सिलेक्ट कर लिया उसने, हाईलाइट नहीं किया, सिलेक्ट किया। अब आपने क्या करना है, इसे कॉपी करना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या बताना चाह रहा था कि आपने सिलेक्ट करके कॉपी नहीं करना, एज ए ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, ठीक है, टूल के साथ कॉपी करना है, पहले वाले टूल के साथ। उसके बाद कंट्रोल सी का बटन दबा देना, बस सिंपल कॉपी हो गया। कॉपी होने से कुछ दिखता तो नहीं ना, सबको पता है। अब इसने पहले कहाँ जाना है, नहीं पहले इसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना है, वहाँ से मैं इसको फोटोशॉप में लेकर, इस पर मिनिमाइज करें, ये वर्ड है। अब इसने वर्ड में कैसे आना है ये भी समझ लें, कंट्रोल वी से नहीं आना वर्ड में, हाँ, क्योंकि कंट्रोल वी से करके देखूँ मैं पहले कैसे आता है, देखें उर्दू है ना, देखें उर्दू है ना, उसको तो समझ ही नहीं ये क्या चीज़ है, वो तो इंग्लिश का सॉफ्टवेयर है। सो इसने कैसे आना है, इसने आना है पेज स्पेशल से, ठीक है, आगे कहाँ से आएगा, पेस्ट का मेन्यू होता है, ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड का, इसमें होता है पेस्ट स्पेशल पिक्चर, यानी हमने
टेक्स्ट को एज ए पिक्सल लाना है तो ही पिक्सल्स बनेंगे ना। आ गया बस। अब यहां पर आके ये पिक्सल्स है, कंट्रोल सी, ठीक, कॉपी। अब इधर आ जाते हैं वापस और फोटोशॉप में इसको जरा बड़ा कर ले क्योंकि वो दो लाइनों का टेक्स्ट था। हाँ, और कंट्रोल भी। कंट्रोल भी पेस्ट, यहाँ पर सिंपल पेस्ट, क्यों? क्योंकि आप वर्ड से ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ सिंपल पेस्ट, यहाँ पेस्ट स्पेशल है नहीं है, ठीक है, वर्ड में पेस्ट स्पेशल। आ जाएंगे इधर। अब मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मैजिक पेन टूल, ये मैजिक इरेजर, ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छी, फिर पहले टूल पर आए और ये देखें ये क्या है, एक नई चीज बताने लगा। एफएक्स, इस पर क्लिक किया और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। एफएक्स का मतलब क्या है? डिजाइन है मुख्तलिफ किस्म के, शेडो लगाना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, स्ट्रोक करना चाहते हो। मैं भी आपको बता देता हूँ, ये देखें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। इस पर आए, कलर चेंज हो गया ना उसका जी। किस में हम इस वक्त कलर ओवरले में, ये सारों को आपने खुद देख लेना है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इस पर आओ और यहाँ आया, मैं ब्लू पे कर देता हूँ। लो जी, आगे कलर चेंज हो गया। हाँ जी, अब इसकी आउटलाइन चेंज करनी है। फोटोशॉप में जो आउटलाइन होती है ना उसको बोलते हैं स्ट्रोक। फोटोशॉप में जो आउटलाइन होती है, आउटलाइन का क्या मतलब है कि रेड्स का आर है ना जो, तो मैं कहता हूँ इसकी आउटलाइन, एक कलर है उसके अंदर और एक उसकी आउटलाइन है, दोनों एक ही कलर में आ रहे हैं। अभी मैं कहता हूँ इस तरह करो, इसकी आउटलाइन वाइट कर दो, पता लग गया। अब ये आउटलाइन है ना, लेकिन फोटोशॉप में आउटलाइन को क्या कहते हैं? स्ट्रोक। फोटोशॉप में आउटलाइन चेंज करनी होगी तो हम कहाँ आएंगे? स्ट्रोक। अच्छा, चलो जब इधर आओ जरा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? बेवल एंड एम्बोस, ये देखते हैं ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या हुआ? एम्बोस का इफेक्ट आ गया, एम्बोस की होती है जैसे कोई चीज़। हाँ ठीक है, उभरा हुआ आ रहा है ना। ये देखें, चलो ये टेक्सचर में क्या है, देखो अंदर टेक्सचर आ गया उसके। कोई मुश्किल काम तो नहीं है, सिंपल सा है, कर सकते हो ना तजर्बे इस पर, इस पर सारे पे डिज़ाइन पे आप खुद तजर्बे कर लेना। और एक काम करते हैं, ज़रा कलर पर आओ, ये कौन सा कलर है? ब्लू। इसको मैं करने लगा हल्का, ज़रा देखते हैं क्या होता है। हो गया हल्का, और यहाँ आ जाते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आ गया हूँ मैं। ग्रेडियंट में क्या होता है, एक से ज़्यादा कलर्स को मिला लेते हैं आपस में। हाँ, एक से ज़्यादा कलर्स को मिला लेते हैं, कितने सारे आ रहे हैं कॉम्बिनेशंस। चलो हो गया, चले हमने काफ़ी अपनी तरफ से डिज़ाइन शिजाइन इसका कर लिया, ठीक है, इस तरीके से करके आपने भी कर लेना, समझ आ गई। क्या था ये? डी एच ए लाहौर था। चलो जी, अब हमने क्या करना है, इसका इमेज बनाना है। अब फोटोशॉप जेब में रखना है कि अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल का साइज क्या होता है, ज़रा देखें। इमेज, आपने किसी भी फोटोशॉप की फाइल का साइज देखना हो तो आप इमेज में आ जाए, किसी भी फोटोशॉप की फाइल का साइज देखना हो तो किस में चले जाए, इमेज में चले जाए। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेज साइज। ले जी, पता लग गया क्या साइज होता है, 1280x720। 17 आ रहा है ना, जो एग्जैक्टली साइज होता है वो होता है 1280x720। किसका? यूट्यूब का थंबनेल। जो आप यूट्यूब मोबाइल पकड़ा होता है तो एकदम एक नोटिफिकेशन आता है, एक वीडियो आती है तो एक थंबनेल नज़र आता है आपको, है ना, ये वो थंबनेल बनाना हम सीख रहे हैं। 1280x720, ठीक है। तो अब हमने जब नया बनाना होगा तो बेसिकली तो हमने नया पेज लेना है ना, ये तो मैंने अभी ये खोल दिया था आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से बना हुआ है, और इमेज साइज से चेक भी कर लिया हमने। ओके,
वैसे हमने नया बनाना हो तो क्या करेंगे, फाइल न्यू, आपने जब नए सिरे से बनाना होगा तो यहाँ आएंगे हम, लिखेंगे ओके सही है। अब आपने जो भी अपना थंबनेल बनाया, बेसिकली मैंने आपको सिखाया क्या है कि आपने इन पेज में टाइपिंग कैसे करनी है और इधर कैसे लेकर आना है, बाकी का थंबनेल तो आप खुद बनाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आपने देखा कि अगर तो मुझे सिर्फ टाइपिंग के लिए इन पेज चाहिए तो कितना चाहिए, समझ आ गई कि मैंने एंटर टूल मुझे समझ आना चाहिए और ऊपर वाला दो ही टूल से काम किया ना मैंने, एक और चीज देख लें उधर, जैसे मुझे फिर दोबारा उसमें कोई चेंज करनी हो मिसाल के तौर पर, अब तो सिलेक्ट हुआ है ना, अब टाइपिंग तो नहीं कर सकता मैं, यहाँ दिख रहा है मुझे कि टाइपिंग रुकी हुई है, तो फिर हमने इस टूल पे आ जाना है, किस पे, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसका नाम है आई बीम टूल, ठीक है, आई बीम टूल इसका नाम है। इसका क्या मतलब है, जब आपने टेक्स्ट एडिट करना हो दोबारा, देखिए कर्सर आ गया फिर वापस, जब मैं पहले पर जाता हूँ तो क्या होता है, अब कर्सर तो नहीं आ रहा, जब मैंने फिर दोबारा टाइपिंग करनी है तो इस पर रहूँगा यानी कि आपको अभी जितना काम मैंने बताया है कि आपको YouTube का थंबनेल बनाने के लिए इन पे ये आना चाहिए बस, ताकि उर्दू लिख सकें, किया गया मैंने इन पेज से लेकर गया हूँ वर्ड में। अच्छा मैं एक काम करूँ सर, इन पेज को बंद कर दें, क्या हुआ नहीं, पेज तो मैंने किया ही नहीं है तो कोई बात है, पहले पेज किया हुआ था, पहले आपको उर्दू में नजर आ रहा था या नहीं आ रहा, उर्दू के फोर्ट्स अनलोड हो गए, यही आपको बताया था ना कि उर्दू के फोर्ट्स को पहले लोड करना है, उर्दू के फोर्ट्स अनलोड हो गया बेसिकली, अभी मैं दोबारा इन पेज करूंगा ना फिर नजर आना शुरू हो जाएगा, अभी मैं इन पेज फिर खोलूंगा उर्दू फिर आ जाएगी वर्ड में, अब जरा फोटोशॉप में देखें क्या वहां भी ऐसे ही हुआ, होना चाहिए वहां भी ऐसे कि नहीं होना चाहिए, नहीं हो। दूसरी फाइल में जाने का, फोटोशॉप में दूसरी फाइल खुल गई है ना, कंट्रोल एफ सिक्स, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, सिक्स पहले वाली फाइल में वापस, यानी कि जब आपने दो तीन फाइलें इकट्ठी खोली हो तो एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से दूसरी में, दूसरी से पहली में, देखें मैं करता हूँ तो बार बार आप मूव करते हैं फाइलों में, ऐसे ही है ये शॉर्टकट है, देखें यहाँ से नहीं खत्म हुआ, इसलिए जब इसको यहाँ लेकर आए तो ये पिक्सल्स बन गए, ठीक है ये अब पिक्सल बन चुका, क्लियर खत्म होगी बात, चलो इसे बंद करें और इन पेज को जरा दोबारा खोलें, देखते हैं क्या वर्ड में दोबारा आता है कि नहीं आता, ठीक है। एक तो ये काम हो गया हमारा, अब थंबनेल सपोज कर रहे हैं कि हमें बनाना आ जाना चाहिए, सही है ना, तो अच्छा भी हमें आ गया है थंबनेल बनाना है, जैसे मैं कहूँ आपको अपना चैनल बनाया है और कोई एक वीडियो अपलोड करो, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे ना वीडियो क्या होगी, फिर तो वीडियो डिसाइड हो जाएगी तो फिर होगा कि थंबनेल कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, ऐसी है ना, जो बंदा भी वीडियो अपलोड करता है जिनकी आप वीडियोज देख रहे होते हो उसके बाद क्या है, लोगों ने अंदर आ रहे थे वो मैंने नेट से डाउनलोड किया, ये तो आपका काम है, अब आपका काम शुरू हो गया, जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएंगी मेरा काम खत्म होता जाएगा आस्ता आस्ता और आपका काम बढ़ता जाएगा, यानी आपकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, मैं इसीलिए तो कह गया आप अपने थंबनेल बनाना है, ओके करें इसको,
देखें वापस लोड हो गया ना, बेसिकली फोन लोड हुए वो वापस आ गए, ठीक है। अच्छा चलो जी, अब एक काम करते हैं और, अब हम खोलने जा रहे हैं ये सॉफ्टवेयर। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? अब आप कहेंगे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, है ना, फिल्मोरा, ठीक है, क्योंकि वीडियो एडिटर भी नहीं है हमारे दोस्त से, हम वीडियो एडिटर भी नहीं है, मगर हमने वीडियो एडिटिंग का जैसे बाकी चीज़ें अपने काम के हिसाब से सीखते जा रहे हैं, इसी तरह मैंने आपको वीडियो एडिटिंग भी अपने काम के हिसाब से सिखानी है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास में सेशन में करेंगे सीखेंगे तो बिल्कुल फायदा है, अगर आप प्रैक्टिस सीखें, अगर आप वीडियो नहीं बनाए, वो जो भी यूट्यूबर नहीं होते जैसे रोजाना एक वीडियो लगाते हैं दो लगाते हैं, फिर आपको चीजें आ जाएंगी, आपको चीजें आ जाएंगी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई वीडियो को ना कैसे करते हैं, तो अभी ये थोड़ा सा मैं ये सिखाता हूँ आपको, और ये मैं जो है ना आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ, और तो आपको तरीका भी बताऊँगा कि अपने घर में से कैसे डाउनलोड करें। किया है अभी लेक्चर को छोटा ही करते हैं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ यूँ करते हैं कि ये डाउनलोड कर लेते हैं, कितने लोगों के लास्ट लैपटॉप्स हैं इनके सामने करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि जिसको अभी नहीं होगा घर जाके जिसने करना होगा उसको भी आ जाएगा, और कुछ लोग यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। ये काम हम अभी कर लेते हैं, लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।